हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में एचपी का ऑल इन वन पीसी आया है। यह पीसी बहुत ही स्लो चल रहा है। कस्टमर ने यूट्यूब पर हमारी वीडियो देखी और हमें फोन किया और बताया कि उनका ऑल इन वन पीसी बहुत ही स्लो चल रहा है। तो हमने उनसे पीसी की कॉन्फ़िगरेशन पूछी तो उन्होंने बताया कि उनके पीसी में विंडोज 10 इंस्टॉल है और एसएसडी नहीं है। एसएसडी नहीं होने की वजह से ही पीसी बहुत स्लो चलता है। अगर आपके पास में ऑल इन वन पीसी है या और कोई पीसी या लैपटॉप है और उसमें कुछ भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अब हम इस पीसी में एसएसडी लगाएंगे, जिसके बाद आपको दिखाएंगे कि इस ऑल इन वन पीसी की स्पीड में कितना चेंज आता है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें। हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। ये आप देख सकते हैं, हमने बहुत ही सावधानी पूर्वक इस पीसी को खोल लिया है। इस तरह के पीसी हर कोई रिपेयर नहीं कर सकता है, इवन दो कोई अनट्रेन टेक्नीशियन इसको खोल भी नहीं सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऑल इन वन पीसी को किसी अनट्रेन टेक्नीशियन से रिपेयर मत करवाओ। अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें। हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके।